आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में किया था बहुत ही बढ़िया काम, लेकिन उसके बाद एक बड़ी टेंशन ने कर दी थी सारी रातों की नींद हराम। लेकिन अब फिर से होने वाला है हल्ला बोल, क्योंकि आई है आरआर फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी। What's going on everyone, welcome back to my YouTube channel। और जैसा कि मैंने आपको राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था कि राजस्थान रॉयल्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर गोइंग इनटू द आईपीएल 2022, लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी टेंशन खाई जा रही थी, और वो थी कि उनके कुछ की प्लेयर्स आईपीएल के शुरुआती मैचों में अवेलेबल नहीं रहने वाले थे, और इससे उनकी टीम पूरी तरीके से आधी अधूरी नजर आ रही थी। कुछ उसी तरीके की परेशानी जो राजस्थान रॉयल्स को साल 2021 आईपीएल के सेकंड लेग में आई थी, जब उनके बड़े बड़े प्लेयरों ने आईपीएल खेलने आने से मना कर दिया था और कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे इंक्लूडिंग जोफ्रा आर्चर, लेकिन उसके बावजूद आखिरी दम तक राजस्थान रॉयल्स से लड़ती रही थी। इस बार भी था कि शायद ऐसा ही कुछ हो जाएगा और बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तीन पॉइंट जो राजस्थान रॉयल्स को इस आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम बनाते हैं। क्या है वो खुशखबरी, क्या पड़ेगा उसका इंपैक्ट, और क्या होगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 लेकर। अगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आप सभी के सपोर्ट से यह चैनल बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा है, सो थैंक यू सो मच। और आपके लिए एक और बड़ी खबर है कि हमारा स्पोर्ट्स एनकाउंटर का टेलीग्राम चैनल लॉन्च हो गया है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए और अपने ओपिनियंस वहां पर जरूर शेयर करते रहा करिए, और आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट न्यूज, सारी लेटेस्ट वीडियोस के लिंक्स, उसके साथ जब आईपीएल शुरू होगा तो फैंटेसी टीम के प्रेडिक्शंस, फैंटेसी टीम के अपडेट्स, रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस, बहुत कुछ होने वाला है। हर टीम का अलग अलग कंपैरिजन आएगा, एक ऑल आईपीएल कंपैरिजन सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, उसमें बहुत ही जल्द नई वीडियोस आने वाली हैं, तो कमाल का कंटेंट आने वाला है। सो देर किस बात की, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। गुड न्यूज फॉर राजस्थान रॉयल्स बिफोर द आईपीएल 2022 इज न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स आईपीएल 2022 के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, और इस कड़ी में राजस्थान रॉयल्स जिनकी टीम में तीन तीन न्यूजीलैंड के प्लेयर, बड़े न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, इंक्लूडिंग देयर बोलिंग स्पीयर हेड ट्रेंट बोल्ट, वो भी पूरे आईपीएल में अवेलेबल रहने वाले हैं। खुद न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीड ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो उनकी होम सीरीज में नहीं खेलने वाले हैं, उनको रेस्ट दिया जाएगा फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट और वो जाकर के आईपीएल में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए तो है ही, लेकिन उन टीम्स के लिए भी है जिनमें की न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, जैसे टीम साउदी इज इन कोलकाता नाइट राइडर्स, केन विलियमसन इज द कैप्टन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, तो वो सारे प्लेयर्स भी अवेलेबल रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स में डैरिल मिचेल और जिमी नीशम के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट भी थे, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के रैसी वेंडे डुसेन भी आईपीएल को शुरुआत से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय नेगोशिएशंस चल रहे हैं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज होनी है। उनके कैप्टन डील अगर चाहते हैं कि आप हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेल करके जाएं, लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि भाई मुझे भी अपना घर चलाना है, मुझे भी फ्रेंचाइजीज से अच्छे रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि आप तो मेरे को इतना पैसा दे नहीं पा रहे हो, तो जहां से मुझे पैसा मिल रहा है, लाइक रैसी वेंडे डुसेन जो पहली बार आईपीएल में आ रहे हैं, वो जरूर राजस्थान रॉयल्स से जुड़ना चाहते हैं, और वो सब इसी नेगोशिएशंस में लगे हैं, और उम्मीद यही है कि रैसी वेंडे डुसेन भी अवेलेबल हो जाएंगे। जॉर्ज बटलर अगर शुरुआत में अवेलेबल नहीं भी रहते हैं तो भी आप डुसेन, डैरिल मिचेल या जिमी नीशम के साथ काम चला सकते हो। शिमरन हेटमायर शुरुआत से अवेलेबल रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट जो मेरे हिसाब से इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी प्लेयर है, यस मोर इंपॉर्टेंट देन जॉर्ज बटलर, ही इज द स्पीयर हेड ऑफ द बोलिंग, इज अ लेफ्ट आर्म स्विंग बोलर, वानखेड़े जैसे मैदानों में, ब्रेबॉन जैसे मैदानों में, डीवाई पाटिल पुणे, पूरे महाराष्ट्र में आपको फास्ट बोलर की जरूरत है, एंड ही इज योर स्ट्राइक बोलर, जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में भी समझाया था, तो वो अवेलेबल रहेंगे। आधी टेंशन वही खत्म हो गई राजस्थान रॉयल्स की, और यही राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। अब अगर बात करें कि इस गुड न्यूज की और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके सारे प्लेयर जब अवेलेबल रहेंगे इंक्लूडिंग योर स्ट्राइक प्लेयर्स लाइक ट्रेंट बोल्ट, तो आपकी टीम को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन कभी कभी इसका एक एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ सकता है, और यही बड़ा चैलेंज है राजस्थान रॉयल्स के लिए और संजू सैमसन के लिए। यहां पर संजू सैमसन की कप्तानी का टेस्ट है, क्योंकि वो कंटेंशन में है टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की स्पॉट में, वहां पर भी वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और वो यहां पर ना सिर्फ अपने लीडरशिप से बल्कि अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी या
यानी कि बैटिंग, फील्डिंग या विकेट कीपिंग, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट डालना चाहते हैं, तो कभी कभी वो ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब आपके लिए टीम बनाना ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर 7 एक ट्रिकी पोजिशन है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि उनके टॉप 6 में कोई ऐसा गन स्ट्राइक बॉलर नहीं है जो 4 ओवर आपको हर मैच में करके दे दे, विकेट टेकर हो। और 5 पे आपके जो 5 बॉलर्स बचते हैं उसमें कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है जो आपको मैचेस जिता करके दे। चहल और अश्विन को खेलना ही खेलना है, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को खेलना ही खेलना है, तो 4 तो यही हो गए। अब जो नंबर 7 का आपका स्पॉट है वहां आप जिमी नीशम को खिलाओगे, तो फिर आप 4 मेन बॉलर्स के साथ ही जा रहे हो, जिमी नीशम आपके ऑलराउंडर विद रियान पराग एंड अदर्स। उसके अलावा अगर आप वहां पे नेथन कुल्टन नायल को खिलाते हो तो आपकी बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी बैटिंग हल्की हो जाएगी, नंबर 6 पे आपकी बैटिंग तकरीबन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अश्विन या कुल्टन नायल से हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं करते टू फिनिश इट ऑफ। तो ये परेशानी राजस्थान रॉयल्स के सामने थी, है, और जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे तो ये डिसीजन उनके लिए लेना इतना आसान नहीं होगा। यहां पे संजू सैमसन की लीडरशिप का भी टेस्ट होगा, आरआर की मैनेजमेंट का भी टेस्ट होगा, और यही राजस्थान रॉयल्स का बड़ा चैलेंज और हर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का एक छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट है। अब अगर आखिरी में राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं उसी प्लेइंग 11 पे कायम हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, और अच्छी बात यह है कि अब जब सारे प्लेयर अवेलेबल हैं तो राजस्थान रॉयल्स भी उसी प्लेइंग 11 पर कायम रहनी चाहिए। शुरुआत होगी यहां पर यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पटिकल से, मैं जॉस बटलर को बीच में खेलता देखना चाहता हूं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पटिकल यहां पर मेरे ओपनर्स होंगे, नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन, नंबर 4 पर जॉस बटलर, नंबर 5 पर रियान पराग, नंबर 6 पर शिमरॉन हेचमायर, नंबर 7 पर जेम्स नीशम और नेथन कुल्टन नायल में से कोई एक, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल एंड प्रसिद्ध कृष्णा। अब यहां पर परेशानी यही है राजस्थान रॉयल्स के सामने कि टॉप 6 में उनके कोई 4 ओवर वाला बॉलर नहीं है। रियान पराग थोड़ी बॉल बॉल कर सकते हैं, मे वन ऑफ माई फेवरेट यंगस्टर्स, मुझे बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे इस आईपीएल में, लेकिन उनके बल्ले से जो वो बॉल डालते हैं वो एक एडिशनल ऑप्शन आपको देते हैं, बट ही कैन नॉट बी वन ऑफ योर गो टू बॉलर्स। और जो 5 बॉलर है आपके उनमें से कोई बैटिंग नहीं करता बहुत ज्यादा। जेएफ निशम को अगर आप खिलाते हो तो फिर आप उनको तीसरा फास्ट बॉलर बना रहे हो जो कि वानखेड़े जैसे कंडीशन से बिल्कुल भी अच्छा मूव नहीं होगा। यहां पर आपके पास अब एक ही ऑप्शन है कि आप रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाओ, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओ, 3 फास्ट बॉलर खिलाओ, युजवेंद्र चहल को खिलाओ, और जो रियान पराग से आप कोशिश करो, और एक जो दूसरा ऑलराउंडर आप लेकर के आओगे उसके साथ कोशिश करो कोई इंडियन प्लेयर जो आपको मिल करके 4 ओवर करके दे। रिस्की है मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप 5 बॉलर खिलाओ और 6 बल्लेबाज खिलाओ और कहो बेटे डू योर जॉब, क्योंकि आपकी जो बैटिंग है वो बहुत ही तगड़ी है। पड्डिकल, जायसवाल अच्छी ओपनिंग यंग कॉम्बिनेशन है, सैमसन, आपके पास जॉस बटलर है, आपके पास शिमरॉन हेटमायर है, तो बैटिंग तगड़ी है आपकी, और अगर आप बॉलिंग में तगड़ी करते हो तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अब देखना यह है कि राजस्थान रॉयल्स यहां पर क्या करती है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए सारे न्यूजीलैंड प्लेयर्स और रेसिवेंडल डुसेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका का अवेलेबल हो जाना कितनी बड़ी खुशखबरी है आरआर के लिए। आरआर के फैंस क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि उनके हिसाब से आरआर की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो कि आरआर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट टीम ऑन पेपर इन द आईपीएल 2022। मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। काम पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और अपने ओपिनियंस वहां पर भी लिख करके जरूर बताइए। लेट्स फॉर्म अ कम्युनिटी हियर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।